नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर जेके तिवारी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सिलेबस को कंटिन्यू करने के लिए। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि पिछले वीडियो में हमने बात किसकी किया था, पिछले वीडियो में हमने ग्रामर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत की थी और उस ग्रामर के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी वर्ब्स की। वर्ब के हमने बेसिक फॉर्म्स की बात की थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, स्ट्रांग वर्ब्स क्या होती हैं, वीक वर्ब्स क्या होती हैं, हमने इन सब की चर्चा विस्तृत ढंग से कर ली थी। आज फिर उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने वाइंड अप किया था, कहां पर वाइंड अप किया था, हमने फाइनाइट और नाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर, और आज उसी की शुरुआत कर रहे हैं। फाइनाइट भी करा दिया था हमने जो है शायद, और ये बता दिया था फाइनाइट के बाद ट्रांजिटिव क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है, बट फिर भी एक रीकैप के लिए हम फाइनाइट वर्ब से ही, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट से ही शुरू कर रहे हैं। आइए पहले हम बात कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, फाइनाइट का मतलब होता है कंट्रोल्ड। ऐसी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, उनको फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। अब कौन सी वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली वर्ब्स वो हैं जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग होती हैं। जैसे आप ये सेंटेंस लिखें कि नीता वर्क्स हार्ड। नीता इज अ नाउन एंड अ नाउन इज ऑलवेज सपोज टू बी द थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर नाउन होता है नीता, एक नाम है, नाम हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का भी थर्ड पर्सन होना। वर्क मेन वर्ब है और एस या ई एस यहां पर क्यों लगा दिया जाता है? लगाते तब है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो मीता सिंगुलर है इसलिए हमने वर्क्स, वर्क को वर्क्स कर दिया है। मतलब वर्क का वर्क्स हुआ क्यों है? बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ मीता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर मीता की जगह पर दो नाम लिखे होते, सीता एंड मीता, और जब दो नाम लिखे होते तो दोनों मिलकर के प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन कर देते, और जब प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन हो जाता तब ये वर्क्स ना हो करके वर्क हो जाता। ये वो वर्ब है जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, तो जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करने वाली वर्ब है उसको क्या कहते हैं? उसी को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होती हैं उन्हीं को फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है फाइनाइट वर्ब का कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ साथ समय के साथ भी बदलती रहती है, टेंस के साथ भी बदलती रहती है। सपोज दैट यही सेंटेंस है, सीता एंड मीता वर्क हार्ड। अगर यही सेंटेंस में हम एक टाइम जोड़ दें यस्टरडे, तो यस्टरडे पास्ट की बात कर रहा है। अब पास्ट टाइम के साथ पास्ट की वर्ब होनी चाहिए, और पास्ट की वर्ब यहां पर क्या होगी? पास्ट की वर्ब के लिए हम फिर वर्क पर आएंगे और उसको वर्क कर देंगे, तो ये वर्ब जो है अब टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो दोस वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टाइम, जो समय और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, उन्हीं को फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। वही फाइनाइट क्रियाएं हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, ऐसी क्रियाएं जिनका रोल बहुत सीमित हो, बहुत रिस्ट्रेंड रोल हो, उनको हम
फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब बिल्कुल आपको क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई डाउट है, और अगर डाउट है भी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम उस डाउट को फिर से टैकल करेंगे, उसको फिर से रिमूव करेंगे। क्लियर? चलिए आते हैं नॉन फाइनाइट के प्रकार पर। फाइनाइट वर्ब्स के अगर हम प्रकार की बात करें तो बेसिकली फाइनाइट वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को पता है ट्रांजिटिव को हिंदी में सकर्मक कहते हैं और इनट्रांजिटिव को अकर्मक कहते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है वर्ब विद ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है अगर तो वर्ब इनट्रांजिटिव होती है। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट और वर्ब विद ऑब्जेक्ट, यही पहचान है, यही सकर्मक है कर्म सहित, और ये अकर्मक है कर्म रहित। जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो वो वर्ब होती है, क्या ऑब्जेक्ट ना हो वो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव। अब एक बात और जान लें कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव होती है और वही इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है वर्ब के यूज पर। वर्ब ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली यूज होती हैं। ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली वर्ब यूज होती हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस लिखा है ही ईट्स डेली, वो रोज खाता है, तो यहां पर वर्ब है ईट और इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर लिखा है ही ईट्स एन एप्पल डेली, अब वो रोज खाता है, क्या खाता है, एन एप्पल, और एन एप्पल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ईट। ईट का ही ऑब्जेक्ट है। सेम ईट यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है और सेम ईट यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब कि वर्ब ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली यूज होती है, डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि वहां पर ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो ट्रांजिटिव हो जाएगी। अब एक चीज ये बताएं कि ट्रांजिटिव होती क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, और व्हाट इज ट्रांजिटेड इन ट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिट क्या हो जाता है, क्या ट्रांजिट होता है, तब उसे ट्रांजिटिव कहा जाता है। सोचिए इस पर आप 30 सेकंड्स, फिर आपको बताता हूं व्हाट इज ट्रांजिटेड इन अ ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस लिखा है शी लव्स मी, वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। शी सब्जेक्ट है, एक्शन लव कर रहा है, और किस पर कर रहा है, वो है मी पर। तो जो काम करने वाला हो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके थ्रू काम करे उसको वर्ब कहा जाता है, वही फाइनाइट वर्ब होती है, और जिस पर काम करे उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब क्रिया का जिस पर असर पड़ता है, क्रिया का जिस पर इंपैक्ट पड़ता है, उसी को ट्रांजिटिव कहा जाता है। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, कि लव करने से प्रभावित कौन हो रहा है, हो रहा है कोई कि नहीं हो रहा है। अगर लव करने से कोई प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि क्रिया का उस पर असर पड़ रहा है। यहां पर क्रिया है लव और मी पर असर पड़ रहा है, नहीं तो क्या होगा,
अगर वो लव नहीं करेगी तो मी के साथ क्या होगा, मी तो पागल हो जाएगा ना। हाँ, लव का इंपैक्ट पड़ रहा है डायरेक्ट किस पर, लव का इंपैक्ट मी पर पड़ रहा है, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट और लव्स हो गया है वर्ब। और ये कैसे वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट में ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल देखिए, शी गिव मी अ बुक, शी गेव मी अ बुक। शी सब्जेक्ट हो गया पहले वाले की तरह ही, वर्ब गेव हो गया। अब यहां पर प्रेजेंट की वर्ब ना होकर के पास्ट की वर्ब है, तो पास्ट की वर्ब भी फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग आई है। और किसको दिया है, मी को, और क्या दिया है, अ बुक। मतलब यहां पर दो काम हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट दे दिया है। एक तो उसने क्या दिया, वो है अ बुक। बुक पर क्या असर पड़ा है, बुक पर असर ये हुआ है कि अब वो बुक उसकी ना हो करके मेरी हो गई है। और किसको दिया है, वो है मी। यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है बुक और एक ऑब्जेक्ट है मी। तो जो बुक ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जो लिविंग होती हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, सॉरी व्यक्ति का नाम दिया है, किसी पर्सन का नाम दिया है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, अगर किसी वस्तु का नाम दिया तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जहां ऑब्जेक्ट आया नहीं वहां वर्ब तुरंत ट्रांजिटिव हुई। आई गिफ्टेड हर अ स्विस वॉच, मैंने उसको गिफ्ट किया क्या, स्विस वॉच। अब मुझे गिफ्ट करना था कोई चीज, मेरा डायरेक्ट प्रभाव क्या था, मेरा डायरेक्ट काम था गिफ्ट करना, मुझे कुछ गिफ्ट करना था, तो हमने गिफ्ट चूज कर लिया। जो हमने पहले चूज कर लिया वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने चूज किया कि देना किसको है, अब देना किसको है वो सेकेंड नंबर पर है, वो है हर, और हर हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्विस वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब जो गिफ्टेड है ये क्या हो गई है, ये वर्ब हो गई है ट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब हो गई है टीवी, राइट, ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल समझ में आ गया हम कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव क्या होती है। थोड़ा और कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, प्रोसीड करता हूं। Dogs bark in the street. क्या bark transitive verb है? सोचिए, क्या bark transitive verb है? आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा हाँ, और बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा नहीं। अब देखिए जो है प्रूव करिए कि कैसे ट्रांजिटिव है, और या यही प्रूव कर दीजिए कि कैसे वो ट्रांजिटिव नहीं है। Dogs बार्क करते हैं, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। बार्क कहां करते हैं, इन द स्ट्रीट, गली में। क्या डॉग्स के बार्क का इंपैक्ट गली में पड़ रहा है, क्या डॉग्स के बार्क का इंपैक्ट गली में पड़ रहा है, कुत्ते के भौंकने का इफेक्ट क्या गली में है, बताइए।
डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब सेंटेंस नंबर वन एंड सेंटेंस नंबर थ्री को कंपेयर करिए। अब देखिए यहां पर डॉग्स बार्क गली में करते हैं और बार्क का कोई भी इंपैक्ट स्ट्रीट पर नहीं पड़ता, स्ट्रीट की एक भी दीवार नहीं हिलती, स्ट्रीट का एक भी पिलर नहीं हिलता, स्ट्रीट का एक भी मकान नहीं हिलता, सब अनमूव्ड है। कुत्ते भौंकते रहे, थोड़ी देर में चले जाएंगे। मतलब यह है कि बार्क गली में जो है कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा है, और जब तक वर्ब अपना इंपैक्ट नहीं डालेगी तब तक वर्ब ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। पहली वाली जो वर्ब है, पहला जो सेंटेंस है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सॉरी, जो थर्ड सेंटेंस है, कुत्ते किस पर भौंकते हैं, तो यहां पर आंसर दिया हुआ है स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर। अब कुत्ते के भौंकने से अजनबियों पर इंपैक्ट पड़ रहा है, अजनबी प्रभावित हो रहे हैं, और जहां पर प्रभाव वर्ब छोड़ना शुरू कर दे, जिस पर छोड़ना शुरू कर दे, वही होता है ऑब्जेक्ट। इन द स्ट्रीट में ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि स्ट्रेंजर्स में स्ट्रेंजर्स ही ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये वर्ब है बार्क, ये हो गई है ट्रांजिटिव, राइट। यहां पर वर्ब इंट्रांजिटिव है, यहां पर वर्ब ट्रांजिटिव हो गई है। इसीलिए आपको पहले ही बताया था, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द वर्ब, कि वो ट्रांजिटिवली यूज हुई है कि वो इंट्रांजिटिवली यूज हुई है, इस पर डिपेंड करता है। सेम सेंटेंस यहां देखिए लिखा है, शी लव्स एट बॉयज, अब वो हंसती है किस पर, कौन प्रभावित हो रहा है उसके हंसने से, उसके हंसने से बॉयज प्रभावित हो रहे हैं, राइट। बच्चों पर हंसती है, लड़कों पर हंसती है, और ये वर्ब क्या हो गई है, ये वर्ब हो गई है ट्रांजिटिव, ये वर्ब क्या हो गई है इंट्रांजिटिव, ये वर्ब क्या हो गई है ट्रांजिटिव। क्लियर है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा मेरे उम्मीद से, मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो फिर वही बात कह रहा हूँ, कीप ऑन मैसेजिंग अस, हमको डाउट्स अपने लिखिएगा, मेल करिएगा, क्वेश्चंस पूछिएगा, जब लाइव क्लास पर आएंगे तो फिर एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब सीमित, फाइनाइट का मतलब कंट्रोल्ड, ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टाइम के टेंस के कंट्रोल में होती हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और ऐसी क्रियाएं जिन पर सब्जेक्ट का टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब्जेक्ट का और टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको नॉन फाइनाइट्स कहा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स से उसको समझते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वॉकिंग इज गुड। अब आइए डाइसेक्शन करते हैं वर्ब का। वॉक वर्ब है, वॉक इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, राइट। मतलब ये वर्ब से बनने वाला वर्ड है, तो वर्ब ही है, कंटिन्यूअस में आप यूज भी करते हो, ही इज वॉकिंग, वी आर वॉकिंग, क्लियर। तो वॉकिंग एक वर्ब है। अब वर्ब के लिए भी यहां पर एक वर्ब आई है, ये भी एक वर्ब है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जो कुछ है इज है। वॉक क्या काम कर रहा है, वॉक इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब, वर्ब की तरह तो इसका यूज ही नहीं हुआ है। यहां पर वॉकिंग यूज कैसे हुआ है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हमने वॉक का यूज किया है।
तो अगर वर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है तो सब्जेक्ट तो किसी से प्रभावित नहीं होता, जबकि सब्जेक्ट प्रभावित करता है। तो जो किसी से प्रभावित ही नहीं होता, प्रभावित करता है, वो वर्ब नहीं है बेसिकली, है क्या? यहां पर वॉकिंग क्या यूज हुआ है? एज द सब्जेक्ट, और एज द सब्जेक्ट में ये एक नाउन है, राइट? ये एक हैबिट की बात कर रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है। मतलब है वर्ब और यूज कैसे हुआ है? नाउन की तरह। तो ऐसे वर्ब्स जो नाउन की तरह यूज होती हैं, उनको वर्बल नाउन कहा जाएगा, राइट? ऐसे वर्ब्स जो नाउन की तरह यूज हो उनको वर्बल नाउन कहा जाएगा, और इस वर्बल नाउन को जो है ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है? जीरंड कहा जाता है। आपके पेपर में भी एक क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहां पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है कि जीरंड यूज हुआ है कि पार्टिसिपल यूज हुआ है कि और कोई ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको पिक करना होगा द राइट वंस, राइट? तो हम आपको यही बात बता रहे हैं कि जब वर्ब नाउन का काम करना शुरू कर दे तो उसको वर्बल नाउन कहा जाता है, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लग जाए और वो वर्ब नाउन का काम करना शुरू कर दे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर दे, तो उसको जीरंड कहा जाता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग खतरनाक है, राइट? नुकसानदेह है। अब स्मोक वर्ब है और आईएनजी लग करके बन गया है, स्मोकिंग हो गया है। Seeing is believing, देखना ही भरोसा करना है, देखना ही विश्वास करना है, राइट? Seeing, see में ing लगा है और believe में ing लगा है, और ये एक सब्जेक्ट हो गया है और ये ऑब्जेक्ट हो गया है, राइट? ये वर्ब हो गई है। ये वर्ब क्या है? ये तीनों सेंटेंस की जो ing फॉर्म्स दी है उसी को ग्रामर में जीरंड कहा जाता है, और नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में जो पहली वर्ब होती है वो जीरंड होती है। नॉन फाइनाइट बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं, और उस तीन में जो पहला प्लेस है फर्स्ट नंबर पर जीरंड होता है, जीरंड को वर्बल नाउन कहा जाता है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन फंक्शन करना शुरू करती है तब उसको जीरंड कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टार्ट्स वर्किंग एज अ नाउन तब हम उसको जीरंड कहते हैं, क्लियर? नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में दूसरी वर्ब जो है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, और अपने पिछले ही वीडियो में हमने आपको पार्टिसिपल की बात की थी आपसे, और दो पार्टिसिपल्स बताए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आपको बिल्कुल याद होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। पार्टिसिपल का मतलब आपको बताया था कि पार्टिसिपल वो वर्ब्स होती हैं जो पार्टिसिपेंट हो, जो सेकेंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म में पार्टिसिपेट करे वो पास्ट पार्टिसिपल है, और जो प्रेजेंट फॉर्म में पार्टिसिपेट करे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में लगती है इसलिए उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, क्लियर? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हो गए। नॉन फाइनाइट में एक और कैटेगरी है पार्टिसिपल की जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब आपको ये पता है कि पास्ट और प्रेजेंट जो होते हैं ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो परफेक्ट टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव,
राइट। तो जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो वो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल का काम करना शुरू कर देती है। तो ये तीन पार्टिसिपल होते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट के साथ वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। या इसी का एक और रिप्लेसमेंट भी होता है, हैविंग प्लस वी थ्री को आप रिप्लेस कर सकते हो आफ्टर प्लस वी फोर से। After plus before या having plus be three दोनों बराबर फंक्शन करती हैं और दोनों ही ग्रामर में करेक्ट वर्ब्स होती हैं। क्लियर? अभी एग्जाम्पल्स बताता हूं सबका, तब आपको और थोड़ा समझ में आएगा। Gerund and present participle, gerund and present participle दोनों ही verb की ing forms होती हैं। verb की fourth form gerund भी होता है और verb की fourth form present participle भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जैसे हमने आपको बताया कि जीरंड का मतलब होता है वर्बल नाउन, जीरंड वर्बल नाउन को कहा जाता है। वैसे जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है तब उसको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। अब आपको नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस पता है, राइट? नाउन संज्ञा है, व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग एंड एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव इज अ मॉडिफाइंग वर्ड, इट मॉडिफाइज, इट गिव्स एन एट्रीब्यूट टू अ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? ये किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वर्ब से बना हो और नाउन के साथ लगा हो, ing फॉर्म में हो और नाउन के साथ लग करके उसकी विशेषता बताता हो, उसको बोलते हैं ये क्या है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए एग्जांपल, देखिए रनिंग ब्रूक्स, ब्रूक्स नाउन है और रन वर्ब है, रनिंग बना दिया है, आईएनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल है, नाउन के पहले लगा है तो विशेषण का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रनिंग ब्रूक्स का मतलब है बहता हुआ, बहते हुए झरने। क्लियर? बहते हुए झरने। दूसरा एग्जांपल देखिए, मूविंग कार्स, कैसी कारें, चलती हुई कारें। बर्निंग हाउसेस, जलते हुए घर। फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ती हुई चिड़िया। क्लियर? तो जब नाउन के साथ आईएनजी फॉर्म लग करके एडजेक्टिव का काम करती है तब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर? और जब खुद यहां पे नाउन बन जाए, वर्बल नाउन में आपको बताया कि नाउन ही जब आईएनजी फॉर्म हो तब उसको बोलते हैं कि वो जीरंड हो गया है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहां पर स्विमिंग स्विम से बना है, आईएनजी फॉर्म है और सब्जेक्ट के प्लेस पर आकर के बैठा हुआ है और जीरंड का काम कर रहा है। तो क्लियर हुआ कि जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है। जीरंड और पार्टिसिपल में बेसिक अंतर यही है कि जीरंड नाउन होता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है।
क्लियर। और अब हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे समझ लें कि जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं जीरंड का तो हमेशा ना की ध्वनि आती है। ना की ध्वनि का मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो धूम्रपान के साथ करना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है टहलना, राइट, स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है, तैरना अच्छी एक्सरसाइज है। तो जहां पर ना की ध्वनि आती है वो जीरंड होता है, और जहां पर काम के करते हुए का सेंस आए, मोशन का सेंस आए, काम चलता रहे, जहां पर जहां कंटिन्यूटी का सेंस आए वो पार्टिसिपल होता है। जलता हुआ पेपर मतलब अभी पेपर जल नहीं चुका है। मूविंग कार का मतलब कि कार स्टिल मूव कर रही है, अभी चल ही रही है। रनिंग ब्रुक्स का मतलब झरना, अभी भी झरझर बह रहा है, रुका हुआ नहीं है। तो जहां पर कंटिन्यूटी की सेंस बनती है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, और जहां पर स्टिल की सेंस बनती है उसको हम जीरंड कहते हैं। फॉर्म में अपीयरेंस में दोनों सेम होती हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर यूसेज, उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि उनका यूज कहां हुआ है। ऑल राइट, ये है जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में डिफरेंस। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करती है। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करती है नाउन के साथ लग करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन होते हुए की सेंस आती है, और पास्ट पार्टिसिपल में एक्शन खत्म होने की सेंस आती है। एक्शन जब एंड हो जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल आता है। जैसे इंजर्ड मैन, इंजर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और मैन नाउन है। मैन कैसा है? इंजर्ड। मैन की विशेषता बता रहा है इंजर्ड। ये एडजेक्टिव है तो ये वर्ब ही बेसिकली, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल के नॉन फाइनाइट वर्ब में चला जाएगा। क्लियर। फिनिश्ड एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जो पहले फिनिश्ड हो चुकी है उसकी बात कर रहा है। फिनिश्ड एक्सरसाइज। बर्नड पेपर, जला हुआ पेपर जो जल करके खराक हो गया है। बर्निंग पेपर जलता हुआ पेपर है, बर्नड पेपर बिल्कुल राख हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्लियर हुआ कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है नाउन के साथ लग करके एडजेक्टिव का काम कर रही है, तब उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब में। और एग्जांपल से ये बिल्कुल क्लियर है। अब और जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब यही है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ही परफेक्ट का यूज करते हैं। Having completed his task, he went home. Task complete करने के बाद वो घर चला गया। दो एक्शन दिया है, उसका घर का जाना और टास्क का कंप्लीट होना, राइट। तो हैविंग कंप्लीटेड जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और सब्जेक्ट यहां पर ही है, और ही के अकॉर्डिंग वेंट आया है। हैविंग कंप्लीटेड पर ही का कोई असर नहीं है, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आफ्टर Getting selection, she married. Selection मिलने के बाद उसने शादी कर ली, तो ये perfect participle है। एक काम हो गया है उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, और हम जब synthesis का chapter शुरू करेंगे एक एक को बिल्कुल विस्तृत चर्चा सबकी करेंगे।
नेक्स्ट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है और जो लास्ट नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव और नॉन फाइनाइट लगभग लगभग बराबर का ही अर्थ देते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। अगर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ है, किसी सब्जेक्ट के कंट्रोल में है, तो वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, और अगर वो किसी सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, तब वो इन्फिनिटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, ही वांट्स टू गो होम। ही सब्जेक्ट है, वांट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसी में एस जोड़ दिया गया है, क्यों? बिकॉज ऑफ ही थर्ड पर्सन, क्लियर? तो वांट्स फाइनाइट वर्ब हो गया है, वो चाहता है। क्या अब जाना, गो का मतलब होता है जाना, और गो पर आप कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते, गो को आप बिल्कुल भी संशोधित नहीं कर सकते, आप ही को हटा करके आई लिख सकते हो, तो ये वांट हो जाएगा और टू गो की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसी को जो है इन्फिनिटिव कहा जाता है। आप सेंटेंस लिख दीजिए नेक्स्ट, लेट मी गो, मुझे जाने दिया जाए, मुझे जाने दो, तो मी के हिसाब से गो पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप मी को हटा करके हर भी लिख दो तो लेट हर गो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है, राइट? वर्ब की बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहा जाता है, और जब वर्ब की बेस फॉर्म किसी सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं होती, जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होती, तब उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। और वो इन्फिनिटिव भी दो टाइप की होती है, एक के साथ तो कभी कभी टू जुड़ा होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तब उसको हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, तब उसे हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। और जब सिर्फ वर्ब की फॉर्म होती है, टू नहीं लगा होता, तब उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव, बेयर का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, और फुल इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू होगी तो वो फुल इन्फिनिटिव हो जाएगी। ये सेंटेंस फुल इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है, और ये सेंटेंस बेयर इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है। और आपकी इस पर भी एक क्लास होगी कि कहां पर फुल इन्फिनिटिव होता है और कहां पर बेयर इन्फिनिटिव होता है, और इस पर भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होती है? जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, वैसे परफेक्ट इन्फिनिटिव भी होती है। क्या होती होगी सोचिए, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव होती है जब हम हैव के साथ टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दें, तब इसी को परफेक्ट इन्फिनिटिव बोला जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक और कंफ्यूजन होती है इन्फिनिटिव को निगेटिव बनाने में। निगेटिव जब हमें इन्फिनिटिव का बनाना हो, सपोज दैट इसका इन्फिनिटिव बनाना है टू गो का, तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या बोल देंगे? नॉट टू गो, नॉट पहले जोड़ देंगे और ये निगेटिव इन्फिनिटिव बन जाएगा। और पेपर में जब क्वेश्चन आता है, जब मैं क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, तब आपको बताऊंगा ये नॉट टू गो का टू नॉट गो करके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, और सेंटेंस ये पूछ रहा होता है कि फाइंड द ऑड वन आउट, जो इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको फाइंड आउट करिए, तो ये निगेटिव बन जाएगा प्रेजेंट का, राइट? सॉरी, ये निगेटिव बन जाएगा इन्फिनिटिव का, नॉट टू गो बन जाएगा। इसी तरीके से हम कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। कंटिन्यूअस में अगर हम इन्फिनिटिव को बनाएं तो क्या बन जाएगा?
टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूअस इंफिनिटिव बन जाएगी। क्लियर? जैसे बनता है जो है कंटिन्यूअस सेंटेंस, कंटिन्यूअस टेंस, बी का मतलब इज एम आर वाज वर, और फिर आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस बना लेते हैं, वैसे यहां पर टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। आप बोलते हो आई आई बी और उसके बाद फोर्थ फॉर्म, आई बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, राइट? तो वो सेंटेंस बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और अगर टू बी के साथ फोर्थ फॉर्म लगा दें तब बन जाएगा, तब वो परफेक्ट, वो सॉरी कंटिन्यूअस इंफिनिटिव बन जाएगा। क्लियर? तो ये नॉन फाइनाइट के टाइप्स हो गए। क्लियर? नॉन फाइनाइट्स के तीन टाइप्स हो गए, जीरंड, पार्टिसिपल और जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। जीरंड का हमने आपको एग्जांपल समझा दिया, हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल समझा दिया, हमने आपको इन्फिनिटिव में फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल्स बता दिए। आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे तो फिर हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, और नॉन फाइनाइट में एक एक का हम आपको यूसेज और पेपर में आए हुए क्वेश्चंस डिटेल में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, आप इंजॉय करते रहिए, आप हैप्पी रहिए, आप खुश रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल कीजिए, आप खुद की देखभाल कीजिए, राइट? टाइम बहुत क्रूशियल चल रहा है इस समय, कोरोना पूरी तरीके से हावी होता जा रहा है, खुद को सेफ रखिए, फैमिली मेंबर्स को सेफ रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेवा खुद करिए। हाँ, पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए। एक चीज आपको और लास्ट क्लास जाते जाते बता दूं, लास्ट में मतलब लास्ट क्लास नहीं, वो ये है कि वैकेंसी के कैंसिलेशन का ऑर्डर अभी आया है, जो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एडवर्टाइजमेंट आया था वो फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल हो गया है। कुछ लूप होल्स थे उसमें, और उसमें लूप होल्स क्या था आप सबको पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स एडहॉक में पढ़ाई करते हैं या एडहॉक पढ़ा रहे थे अभी तक, उनको एक क्वेश्चन की वैल्यू कम कर दी गई है उनके लिए, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ज्यादा कर दी गई थी। जैसे इन्होंने ये बताया था कि जो एडहॉक के टीचर्स होंगे उनको वेटेज मिलेगा, तो वेटेज देने की बात तो बाद में आई, उन्होंने पहले ही उनका नुकसान कर दिया था। एक टीजीटी में एक जो एडहॉक का टीचर है उसके लिए क्वेश्चन की वैल्यू 3.65 कर दी थी और फ्रेशर्स की वैल्यू 4 कर दी थी, यही एक डिफरेंस कर दिया था जिसकी वजह से हाई कोर्ट में रिट हुई और क्वेश्चन जो है एडवर्टाइजमेंट ही चैलेंज हो गया और उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दूसरा कारण ये था कि साइंस में बायोलॉजी को लेकर के कंफ्यूजन होती है, बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता यूजी पीजी में, वहां पर जूलॉजी और बॉटनी होता है, तो कौन से लोग एलिजिबल है उसके लिए कौन से नहीं, इस पर भी एक विवाद था, इस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये कहा है कि जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट दोबारा करें वो, ताकि बच्चों को फॉर्म भरने में या तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर री एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी का हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। हम अपना बैच कंटिन्यू रखेंगे, कोई स्टॉपेज नहीं होने जा रहा है, कोई हाल्ट नहीं होगा हमारे आपके प्रिपरेशन में, और एडवर्टाइजमेंट जल्दी आएगा ऐसा हम सब लोग सोचते हैं, ऐसा हम सब लोग का विश्वास है और आप जल्द ही सेलेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, टेक केयर। बन जाएगा तब वो परफेक्ट, वो सॉरी कंटिन्यूअस इंफिनिटिव बन जाएगा। क्लियर? तो ये नॉन फाइनाइट के टाइप्स हो गए। क्लियर? नॉन फाइनाइट्स के तीन टाइप्स हो गए, जीरंड, पार्टिसिपल और जीरंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव। जीरंड का हमने आपको एग्जांपल समझा दिया, हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल समझा दिया, हमने आपको इंफिनिटिव में फुल इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव और परफेक्ट इंफिनिटिव के एग्जांपल्स बता दिए। आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे तो फिर हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, और नॉन फाइनाइट में एक एक का हम आपको यूसेज और पेपर में आए हुए क्वेश्चंस डिटेल में बताएंगे।
तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, आप एंजॉय करते रहिए, आप हैप्पी रहिए, आप खुश रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल कीजिए, आप खुद की देखभाल कीजिए, राइट। टाइम बहुत क्रूशियल चल रहा है इस समय, कोरोना पूरी तरीके से हावी होता जा रहा है, खुद को सेफ रखिए, फैमिली मेंबर्स को सेफ रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेवा खुद करिए। हाँ, पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए। एक चीज आपको और लास्ट क्लास जाते जाते बता दूं, लास्ट में मतलब लास्ट क्लास नहीं, वो ये है कि वैकेंसी के कैंसिलेशन का ऑर्डर अभी आया है। जो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एडवर्टाइजमेंट आया था वो फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल हो गया है। कुछ लूप होल्स थे उसमें, और उसमें लूप होल्स क्या था आप सबको पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स एडहॉक में पढ़ाई करते हैं या एडहॉक पढ़ा रहे थे अभी तक, उनको एक क्वेश्चन की वैल्यू कम कर दी गई है उनके लिए, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ज्यादा कर दी गई थी। जैसे इन्होंने ये बताया था कि जो एडहॉक के टीचर्स होंगे उनको वेटेज मिलेगा, तो वेटेज देने की बात तो बाद में आई, उन्होंने पहले ही उनका नुकसान कर दिया था। एक टीजीटी में एक जो एडहॉक का टीचर है उसके लिए क्वेश्चन की वैल्यू 3.65 कर दी थी और फ्रेशर्स की वैल्यू 4 कर दी थी। यही एक डिफरेंस कर दिया था जिसकी वजह से हाई कोर्ट में रिट हुई और क्वेश्चन जो है एडवर्टाइजमेंट ही चैलेंज हो गया और उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दूसरा कारण ये था कि साइंस में बायोलॉजी को लेकर के कंफ्यूजन होती है। बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता यूजी पीजी में, वहां पर जूलॉजी और बॉटनी होता है, तो कौन से लोग एलिजिबल है उसके लिए कौन से नहीं, इस पर भी एक विवाद था, इस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये कहा है कि जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट दोबारा करें वो, ताकि बच्चों को फॉर्म भरने में या तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर री एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी का हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। हम अपना बैच कंटिन्यू रखेंगे, कोई स्टॉपेज नहीं होने जा रहा है, कोई हाल्ट नहीं होगा हमारे आपके प्रिपरेशन में और एडवर्टाइजमेंट जल्दी आएगा, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं, ऐसा हम सब लोग का विश्वास है और आप जल्द ही सेलेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। टेक केयर।